कई बार क्या होता है ना, जब हम सुबह उठते हैं और आंखों के सामने पूरा घर अगर फैला हुआ नजर आए ना, तो देखकर थोड़ी टेंशन जरूर होती है कि कैसे होगा सब कुछ। भले ही आप सुबह कितनी भी जल्दी क्यों ना उठ जाओ, लेकिन काम शुरू करने से पहले ना घर की हालत देखकर थोड़ी सी टेंशन होनी ही है। और उसके बाद दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलने लगती है। सबसे पहले तो घर की साफ सफाई कहाँ से शुरू करूँ, किस हिस्से को पहले करूँ, किस हिस्से को बाद में करूँ, किसे छोड़ूँ, किसे पकड़ूँ, और ये सारी चीज़ें ना कई बार हमारी स्ट्रेस को बढ़ा देती है। तो अगर आपके दिमाग में भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो उस थिंकिंग को अभी स्टॉप करो, क्योंकि ये समय सोचने का नहीं है, करने का है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह ना सबके घर की हालत लगभग एक जैसी होती है। किसी का घर थोड़ा कम गंदा रहता है, किसी का घर थोड़ा ज़्यादा गंदा रहता है, लेकिन गंदा तो रहता ही है, कम और ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है। और उसके बाद बारी आती है हमारी घर समेटने की। तो किसी भी काम को जब आप स्टार्ट करते हो ना, उसकी शुरुआत करते हो ना, तो थोड़ी सी मन में झिझक जरूर होती है, थोड़ा सा डर जरूर लगता है कि सब कुछ मैनेज होगा या नहीं होगा। बट वही होता है ना कि जब आप किसी भी काम में लगते हो, धीरे धीरे उसे करते हो ना, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, समझ जाते हो कि कौन सा काम हमें कैसे करना है। और मैंने पहले भी आप सबसे कहा है कि होम मेकिंग ना एक आर्ट की तरह है, जितना करोगे उतना सीखोगे और उतने ज़्यादा उसमें निपुण होते जाओगे, जी हाँ, स्मार्ट होते जाओगे। तो बस इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, और शुरुआत मैंने की है किचन से, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और क्या होता है ना, अगर आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हो या फिर आपका मेरी तरह सेमी मॉड्यूलर किचन भी है ना, तो उसे थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने एकदम से ही छोड़ दिया है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए ना बीच बीच में मैं लग जाती हूँ उस तरीके से किचन की क्लीनिंग में, जिससे क्या होता है ना, जो भी कैबिनेट हैं, ड्रॉअर हैं, वो सारे ना अंदर से भी एकदम चमकते रहते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, जितने भी पेपर मैंने डाले थे या जो सीट डाली थी ना, वो गंदे हो रखे थे, तो उसे मैं चेंज कर दे रही हूँ और उसके जगह दूसरा पेपर, दूसरा सीट यूज कर रही हूँ, ताकि वो अंदर से भी साफ़ सुथरा रहे। और थोड़ा सा ना चीज़ों को इधर उधर करना है, थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके किचन को अच्छे से सेट करके रखना है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत सारी चीज़ों को रखने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चीज़ों को ना इधर उधर करूँगी, जो ज़्यादा ज़रूरी की चीज़ें हैं ना, उसे पास में रखूँगी सामने वाले कैबिनेट में, और जो बीच बीच में कभी कभी यूज होती हैं उन्हें कॉर्नर वाले कैबिनेट में रखूँगी। तो बस वही चल रहा है। तो शुरुआत से जितने भी कैबिनेट ड्रॉअर हैं ना, सभी को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, सभी के पेपर या जितने मैंने सीट डाल रखी है सबको मैंने चेंज कर दिया था, और अगेन सारे सामानों को अच्छे से उसमें अरेंज करके रख दिया था। थोड़ी बहुत चेंजिंग मैंने इधर उधर की है। और ये देखिए हीटर की हालत क्या हो रखी है, इसकी मिट्टी पूरी तरीके से टूट गई है, तो इसे चेंज करवाना होगा। वैसे ये हीटर ना हमने इमरजेंसी में रखा, हीटर यूज हम नहीं करते हैं, इंडक्शन है तो उसे चल जाता है। बाय चांस कभी वैसा इमरजेंसी हो गया कि गैस खत्म हो गई है, सिर्फ इंडक्शन है, तो फिर हीटर का थोड़ा बहुत हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि हीटर चलाने से पता है आपको इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा आती है, तो इसलिए हीटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, ना के बराबर, बस इमरजेंसी पर्पज़ से हमने रखा हुआ है। और हाँ, बरसात के मौसम में जब मकई पकाना हो ना, तो उसके लिए यूज में आती है, क्योंकि गैस में मकई पकाया हुआ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, टेस्टी नहीं आता है, और हीटर में पकाओगे ना तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। वैसे सच बोलूँ ना, तो जो कोयले के चूल्हा या फिर लकड़ी के चूल्हा में मकई पका कर खाते हैं ना, उसका टेस्ट कुछ और ही रहता है, जो गैस या हीटर इन सब में नहीं आता है, बट ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हीटर में कभी कभार हम पका लेते हैं। बस इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हीटर हम यूज करते हैं, तो वो ऐसे ही रखा हुआ रहता है। तो चलिए फटाफट बाकी जो कैबिनेट ड्रॉअर है ना, उसे भी फटाफट क्लीन कर लेते हैं। और मैं बाहर से भी डस्टिंग करते जा रही हूँ प्रॉपर, अंदर से तो क्लीन कर रही हूँ, बाहर से भी हाथ घुमाकर पोंछते जा रही हूँ, ताकि अंदर बाहर दोनों की सफाई अच्छे से होते जाए। और जब भी आप घर के किसी भी हिस्से की क्लीनिंग करते हो ना, तो फ्लोर तो इतना गंदा होना ही है, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा गंदा होता है, तो फ्लोर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। काउंटर टॉप से मैंने जितने सामान थे सबको हटा लिए हैं, और जो धोने वाले थे वो सिंक में रखे हुए हैं, और जो बर्तन थे वो मैंने धो के रख दिए थे साइड में। तो बस मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है किचन में, और जो सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं ना, वो फटाफट क्लीन करने हैं। पूरे किचन को मैंने चमका डाला था अंदर बाहर सब तरफ, और अब जाकर ना मन को सुकून लग रहा था किचन को देख के, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है ना जहाँ हमारा पूरा दिन बीतता है।
तो अगर वो साफ़ सुथरा रहे ना तो काम करने को मन भी करता है, नहीं तो ना आप चिड़चिड़ाते रहोगे दिन भर। कई बार मेरे साथ होता है जब किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो समझ में नहीं आता है कि इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ वो गंदगी के चलते होता है। आप गौर करने करिएगा कि घर में अगर कहीं भी गंदगी होगी ना तो आप खुद ब खुद चिड़चिड़ाते रहोगे, परेशान रहोगे और हैरान रहोगे, माथा आपका भारी भारी लगेगा। और जब आप उस हिस्से को क्लीन कर दोगे ना तब जाकर वहाँ देखना कितनी ज़्यादा शांति आपको मिलती है। तो इसलिए ना घर के हर एक हिस्से की ना बीच बीच में इस तरीके की क्लीन करनी बहुत ज़रूरी होती है। फाइनली किचन का काम डन हो गया था क्योंकि किचन क्लीन हो गया था, साथ ही साथ जो डब्बे ढक्कन रखे हुए थे ना उसे भी मैंने धोकर साइड में रख दिया है, जब वो सूखेंगे उसके बाद उनमें सामान डालूंगी। और चलिए चलते हैं फटाफट कपड़े डाल देते हैं सुखाने, क्योंकि उठते के साथ मैंने कपड़े लगा दिए थे। कपड़े वाले काम ना या तो मैं सुबह कर लेती हूँ या तो फिर शाम में करती हूँ, फिर दोपहर में मन ही नहीं करता है क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है। और अभी तो इतनी तेज़ धूप हो रखी है ना कि बाहर भी आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर डाल दो ना वो सूख जाएंगे, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है। और बालकनी की भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि हमने जो छोटे छोटे पॉट में प्लांट है ना उन्हें बड़े पॉट में डाला है, तो इसलिए थोड़ा सा बालकनी में इसको रखा था। तो बालकनी की सफाई बाद में करेंगे, पहले घर से शुरुआत करते हैं। तो जब भी घर की साफ़ सफाई की बात आती है ना घर के दो हिस्सों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और दिन भर लगना पड़ता है। अगर आप मॉर्निंग में करके सोचो कि इवनिंग तक ये ऐसा ही रहेगा तो वैसा रहता नहीं है, आपको इसमें टाइम देना ही देना है। एक तो है हमारा डाइनिंग रूम जहाँ हमारा पूरा समय बीतता है, हमारी पूरी फैमिली अधिकांश जो टाइम है यहीं स्पेंड करती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो इसलिए इसकी सफाई ना मैं दिन भर करती हूँ, ये नहीं कि अभी सिर्फ मैंने कर दिया तो उसके बाद पूरे दिन मैं आराम से रहने वाली हूँ। दिन भर मुझे इसमें लगना रहता है, कभी कुशन को ठीक करो, कभी थ्रो को ठीक करो, कभी सोफे को ठीक करो। कई बार बच्चे ना बैठते हैं ना तो खेल खेल में सोफे को थोड़ा सा इधर उधर भी कर देते हैं, तो उसे कभी थोड़ा ठीक करो। तो ये सारी चीज़ें ना चलते रहती है, तो इस रूम को थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद आता है बच्चों का रूम, इसकी हालत भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मतलब घर तभी सेट आपका है ना जब बच्चे नहीं हैं, जब स्कूल गए हुए हैं बच्चे, जब बच्चे वापस स्कूल से आते हैं ना तो फिर घर की हालत सेम वही हो जानी है जब आपने सुबह सफाई करने से पहले अपने घर को देखा है ना, सेम वैसी घर की हालत हो जाती है। तो पूरे दिन घर में आपको लगना पड़ता है तब जाकर घर आपका सेट रहता है। तो चलिए घर तो मैंने सेट कर लिया था, बस अभी थोड़ी चीज़ें ना मुझे डिक्लटिंग करनी है। जी हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मुझे हटानी है जो बिना मतलब की जगह घेरी हुई है, और बीच बीच में ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी होता है, नहीं तो आपने भले ही कितना भी स्टोरेज बना के घर में रखा हो ना बट वो कोई काम का नहीं है क्योंकि बहुत सारी आलतू फालतू चीज़ों से वो भरा भरा हुआ रहता है। और ये जो वॉश बेसिन वाला स्टोरेज है ना ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान रहते हैं, खासकर जो क्लीनिंग वाले सारे सामान है ना वो मैं यहीं रखती हूँ। प्लस कुछ पेंट के डब्बे हैं जिसे मैं लगभग लगभग यूज करती ही करती हूँ, जैसे वाइट कलर का पेंट हो गया, किसी भी चीज़ को पेंट मुझे करना है तो फटाफट यहाँ से निकालो, पेंट करो, फिर वापस यहीं पे रखो। कुछ इसी तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ रखा है कि जब मुझे ज़रूरत पड़े फटाफट मुझे मिल जाए, मुझे खोजना नहीं पड़े। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कुछ काम आप कर रहे हो और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अगर वो चीज़ें तुरंत मिल जाती है ना तो बहुत ईजी होता है, फिर अगर ढूंढना पड़ता है ना तो एक तो काम लगा हुआ है ऊपर से फिर वो चीज़ ढूंढो तो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हो। इसलिए ना मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ जो मुझे तुरंत मिल जाती है। तो साफ़ सफ़ाई करते करते ना मुझे यहाँ बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें आलतू फालतू मिली जो मैंने ही रखी थी हड़बड़ी के चक्कर में। कई बार क्या होता है ना कि हड़बड़ी के चक्कर में आपको जहाँ जो जगह मिलती है आप वो सारी चीज़ें वहाँ रख देते हो, तो मुझे प्लास्टिक की चीज़ें निकालनी थी बाहर लेकिन मैंने यहाँ पे रख दी थी, तो वही मैं अभी उसे भी हटा रही हूँ ताकि ये जगह थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेसियस हो जाए और जो यूजफुल चीज़ें हैं ना वो मैं यहाँ रख पाऊँ। और क्लीनिंग डस्टिंग से रिलेटेड जितने भी कपड़े होते हैं ना, जो माइक्रोफाइबर हो गए या फिर कॉटन के कपड़े हो गए, वो मैं यहाँ रखती हूँ इस बॉक्स में वॉश बेसिन के ठीक नीचे। मुझे काफ़ी ईजी होता है क्लीनिंग करने में। अच्छा, घर के क्लीनिंग वाले कपड़े अलग रहते हैं और जो किचन के क्लीनिंग वाले कपड़े हैं ना वो किचन में ही रखती हूँ। ये है फेरी लाइट जो कि ख़राब हो रखा है, लेकिन मैंने रख दिया था कि शायद बन जाएगा लेकिन नहीं बना, तो इसे भी मुझे भी हटाना होगा। और जितनी यूजफुल चीज़ें थी अगेन मैंने उसे अच्छे से अरेंज करके रख दिया है, तो ये वाला स्टोरेज भी अच्छे से क्लीन हो गया है, बस बाहर से मुझे एक बार डस्टिंग करनी है। तो जी, घर की साफ़ सफाई हो गई थी और अब बारी थी अपने इस घर को इस भयानक वाली गर्मी से बचाने के लिए जुगाड़ करने का, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, डे बाय डे ना टेम्परेचर बढ़ती ही जा रहा है, हालत ख़राब होते जा रही है। और हमारे साथ क्या है ना कि सुबह और शाम अच्छा लगता है बट जो ये दोपहर होता है ना, दोपहर बिताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगती है। मतलब आप हॉल में तो रह ही नहीं सकते और आपको पता है हॉल में ही हमारा ज़्यादा समय जाता है, और दिन भर आप रूम में एसी में कैसे कितना बैठ सकते हो, मेरे लिए तो बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरे घर के काम इतने रहते हैं ना कि मैं जाकर रूम में दिन भर एसी
में बैठ ही नहीं सकती हूँ, तो उसके लिए ना ये बेस्ट जुगाड़ है। ये जो सामने में है ना ये बालकनी है और इससे बहुत अच्छी खासी धूप और हवा घर के अंदर आती है, जो आपको विंटर के दिनों में और रेनी सीज़न में बहुत अच्छी लगती है, बट वही गर्मियों के सीज़न में मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देने वाली होती है। तो इसलिए ना मैं क्या कर रही हूँ ना, ये एक दरी टाइप का है, चादर, मोटा चादर है, तो उसे मैंने अच्छे से पानी से भिंगो लिया है पूरा, और थोड़ा सा पानी निकल गया उसके बाद मैं इसे यहाँ हैंग कर दे रही हूँ, टांग दे रही हूँ। इससे क्या होगा ना, जब उधर से गर्म हवा आएगी ना तो वो अंदर आते आते पूरी ठंडी हो जाएगी, इस बेडशीट, दरी, कुछ भी बोल सकते हो आप, उसकी वजह से पूरा ये पानी से भींगा हुआ है, तो उस वजह से जो घर के अंदर हवा घुसेगी ना वो थोड़ी सी राहत वाली होगी, वो गर्म हवा नहीं रहेगी, जिससे थोड़ा सा घर ठंडा रहेगा, बहुत ज़्यादा तो टेम्परेचर में अंतर नहीं होगा, बट हाँ थोड़ी सी राहत तो ज़रूर मिलेगी। और अब चलिए वापस चलते हैं किचन, क्योंकि मैंने कहा ना कि सिर्फ साफ़ सफाई नहीं है, किचन भी हमें संभालना होता है, खाना भी बनाना होता है, तो बस अभी मुझे दोपहर का खाना रेडी करना है। लेकिन उससे पहले ना ये जो डब्बे मैंने धोए थे वो सूख गए हैं, तो उसे अगेन मैंने कपड़े से पोंछ लिया है, साफ़ कपड़े से, और इस डब्बे में मुझे रखनी है मूढ़ी, तो फटाफट मूढ़ी डाल देते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे झूले में मूढ़ी रही ना तो मूढ़ी नसम जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, और खाने में बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसे मैंने डब्बे में डाल दिया है, और इसे करते हैं बंद और रखते हैं फिर अंदर। तो इस वाले कैबिनेट में ना मैंने पहले बड़े बड़े बर्तन रखे थे जो कभी कभार बीच बीच में यूज आते थे, तो उसे मैंने कॉर्नर वाले कैबिनेट में रख दिए हैं, और यहाँ मैंने जो आटे चावल के डब्बे होते हैं ना वो रख दिए हैं, मुझे काम करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। और अब चलिए फटाफट बनाते हैं खाना, तो दोपहर का खाना रेडी करना है। वैसे जब से गर्मियाँ आई है ना तो भात बनाकर मैं सुबह ही रख देती हूँ, क्योंकि भात अगर आप लेट से बनाओगे ना तो जब खाने भी जाओगे ना तो एकदम गर्म रहता है और खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, तो भात बना के मैं जल्दी ही रख देती हूँ। बाकी जो दाल सब्जी है वो थोड़ा लेट से बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज का खाना। तो वैसे अभी मैं बना रही हूँ कोहड़ा, जी हाँ, जो कोहड़ा होता है ना उसे सिंपल सरसों मिर्चा देकर बस मुझे फ्राई कर देना है, और उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो आम है ना ये हमारे घर के ही है, एक्चुअली क्या हुआ है ना, घर के आंगन में जो हमने आम लगाया है ना वो कलमी आम है, हाइब्रिड वाला, बट हुआ क्या है ना कि आम तो बहुत हुए थे बट पता नहीं कीड़ा लग गया है कि क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, आई थिंक कीड़ा ही लग गया होगा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था, वो ना खुद ब खुद झड़ रहे हैं, मतलब अच्छे साइज के आम होते हैं कलमी आम, मतलब आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े एकदम अच्छे साइज के, और आम उसमें भरती हैं, लेकिन पता नहीं कीड़े लगने की वजह से क्या अपने आप सारे आम झड़ रहे हैं, तो बहुत ख़राब लग रहा है देख के। तो वो सारे आम को वेस्ट करने की बजाय लेके मैं शरबत या फिर चटनी इस तरीके से बना दे रही हूँ, तो यूज में आ जा रहा है। तो ये रही आम की खट्टी मीठी वाली चटनी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है, और इसमें मैंने सिर्फ लहसुन मिर्चा ऐड डाला है, और लास्ट में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, जो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। और ये रहा कोहड़ा, जो पूरी तरीके से रेडी हो रखा है, क्योंकि कोहड़ा बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर इस तरीके से आप फ्राई कर रहे हो फटाफट बन जाता है। तो शुरुआत जब भी हम किसी चीज़ की करते हैं ना तो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट, थोड़ा बहुत डर, थोड़ी बहुत झिझक ज़रूर लगती है कि पता नहीं सब होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मैनेज कर पाऊँगी नहीं पाऊँगी, लेकिन जब एक बार आप उस काम में लग जाते हो ना तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना शुरुआत अच्छी हो ना हो अंत तो अच्छा हो नहीं है, तो बस वही है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था, घर की साफ़ सफाई हो गई थी, प्लस मैंने खाना बना लिया था, और अब बारी थी मुझे अपने काम में थोड़ा सा टाइम देने की। तो मुझे करनी है अभी एडिटिंग, जी हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग के मैसेज आते रहते हैं कि दी डेली वीडियो आप डालो, बट हो नहीं पाता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली वीडियो डाल सकूँ, अगर डेली ना भी हो सके ना तो एक एक दिन छोड़ के डाल पाऊँ, तो इसलिए मुझे करनी है अभी एडिटिंग। तो इस वीडियो को करती हूँ ना यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।